फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप डेस्कटॉप कम लैपटॉप आया है। ये टैब की तरह भी हो जाता है, इसमें आप ऑप्शन देखोगे। दिखाओ सर, ये कहाँ पे लगता है टैब। यहाँ पे एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लग जाता है और ये बड़ा है। ये होगा कम से कम भी 17 इंच का है। ये टैब कम लैपटॉप, टैब कम लैपटॉप वाला ही होता है, जैसा आपने 13 इंच में देखा है उसी तरीके का होता है ये। ये आप देखोगे आगे इसके ग्लास लगा हुआ है, टच स्क्रीन है और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है वो हम आपको दिखाते हैं। ये चार्जर हम लगाते हैं, इसमें चार्जर लगाया तो ये लाइट आप देखोगे चार्जर की लाइट बंद हो गई है। तो इसमें क्या होता है, ये कंडीशन है, शॉर्ट होती है मशीन अंदर से, जिस वजह से हमारा चार्जर भी बंद हो जाता है। और हम इसकी चार्जर की अब लाइट हटा के लगाएंगे। अब आप देखोगे ऊपर रखो सर, यहाँ से अब हमने इसको हटा के लगाया तो हमारी लाइट फिर आ जाएगी चार्जर में। तो ये प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रॉब्लम मशीन में होती है, उसी को खोल के हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये स्क्रू खुल गए हैं, स्क्रू खोलने के बाद ये नॉर्मल ही पीछे से हमारा कवर खुल जाता है। ये हमारी मशीन है, आप देखोगे इसमें बैटरी भी लगी है, ये बड़ी बैटरी देखो, 3-4-5-6-7 घंटे का बैकअप होगा इसमें। ये इसका मदरबोर्ड है, बहुत छोटा सा मदरबोर्ड है, रैम भी इनबिल्ट है। तो इसमें शॉर्टिंग है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड को इसको रिपेयर करेंगे कि मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोस करेंगे कहाँ पे शॉर्टिंग है, किस प्रकार की शॉर्टिंग है। यदि आपके पास भी ऐसा कोई डेस्कटॉप ऑल इन वन या टू इन वन पीसी हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर दिखा सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद। अब हम इस लैपटॉप के मदरबोर्ड को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसके मदरबोर्ड के कौन से सेक्शन में प्रॉब्लम है। मदरबोर्ड के बहुत सारे सेक्शन होते हैं, जैसे कि रैम सेक्शन, पावर सेक्शन और ग्राफिक्स कार्ड सेक्शन। तो मदरबोर्ड खोलने से पहले इसके आसपास के जो पार्ट्स हैं उसको रिमूव कर लेते हैं। यह आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड के आसपास में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप डायरेक्ट मदरबोर्ड खोलोगे तो वह नहीं खुलेगा और इससे दूसरे कंपोनेंट पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। और इस लैपटॉप के पार्ट्स को खोलना इतना आसान नहीं है। अगर आप लैपटॉप के एक्सपर्ट नहीं हैं तो इस लैपटॉप को खोलने का ट्राई मत करना, क्योंकि इससे आपके लैपटॉप में कुछ और इशू भी आ सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार भी स्क्रू ड्राइवर किसी कंपोनेंट से गलत तरीके से टच हो गया तो वह लैपटॉप को भी खराब कर सकता है। तो अगर आपको इस लैपटॉप को खोलना है तो वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि पहले कौन सा पार्ट्स हमें हटाना है। जैसे कि पहले हमने फैन हटाया और उसके बाद रैम को हटाते हैं और अब हम मदरबोर्ड पर पहुंच गए हैं। अब हम मदरबोर्ड को रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं कि हम मदरबोर्ड को डायग्नोस कर रहे हैं और यह है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरबोर्ड में एग्जैक्टली कहां पर प्रॉब्लम है। अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप है और उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लैपटॉप है और वह कहीं पर भी ठीक नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं, हम उसको हाथों हाथ रिपेयर करके देंगे। अगर आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है और आपने उसे कहीं नहीं दिखाया है तो उसके रिपेयर होने के चांस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी दूसरे सर्विस सेंटर पर दिखाया है और उन्होंने चेक करने के बाद में यह बोल दिया है कि अब यह रिपेयर नहीं होगा तो हम इस तरह के लैपटॉप के मदरबोर्ड भी रिपेयर कर देते हैं। धन्यवाद।